बहुत सीरियस लग रहे हो। तुम्हारे लिए नहीं हो सीरियस, हो भी नहीं सकते। जाहिर है तुम कोई प्रिंसेस थोड़ी हो जो कोई शहजादा आएगा सात समंदर पार तुम्हारे लिए सीरियस हो क्या? आ भी सकता है। हाँ, तुम्हारे ख्वाबों में। बहुत अंडरएस्टिमेट कर रहे हो तुम मुझे। मेरे पास कोई वजह नहीं है कि मैं तुम्हें ओवर एस्टिमेट करूं। इतनी तो प्यारी हूँ मैं, कल रात को तुम्ही ने तो एडमिट किया खुद। रात कही सो बात कही। अच्छा चलो, अच्छा है मुझे ये तो पता चला कि तुम अपनी बात से मुकर भी जाते हो। हाँ बस ऐसे ही हूँ मैं। अच्छा ये बताओ कि कल गौहर पे क्यों इतना नाराज हो रहे थे? वो एक मिनट के लिए फर्ज कर लिया था तुम हमारे खानदान की लड़की हो, इज्जत हो हमारी। उसने कौन सा मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को मजरूह किया था? शराफत से रिश्ता ही तो मांग रहा था मेरा। यार वो तुम्हें अच्छा लगता है तो सिंपली हाँ कर दो। मेरी हाँ या ना तुम्हारी राय की मोहताज नहीं है। जाहिर सी बात है, मैं लगता ही क्या हूँ तुम्हारा? महज एक क्लास फेलो और एक दोस्त कच्चा पक्का सा, जिसे मानने से कभी कभी तुम इनकार भी कर देती हो। थैंक यू। वापसी में पिक करूं तुम्हें? नहीं, मैं गौर को कह दूंगी, वो मुझे पिक कर लेगा। बाय। मुनीर जी, निक्का जी, सलीका सारी जिंदगी हो गई मगर तुम्हें सलीका नहीं आया। फ्रैंकली एक बात करूं माँ जी, ऐसी जली सरी बातें ना आपको सूट नहीं करती, उसके लिए आपके बेटे हजूर उर्फ मेरे शरीके हयात काफी हैं। अरे भाई हुआ क्या, जरा दिखाओ तो सही। जल गया है, अंदर चले नया जोड़ा निकाल देती हूँ। सिंपल, निदा की शादी में भी तुमने मेरा एक जोड़ा जलाया था। हाँ चलो जी, पुराने खाते और नए स्यापे खोल दें आप, हैं अभी टाइम नहीं है, आपकी बहन की शायद बारात है। सलीका असफी कहाँ है? बिट्टू को पार्लर से पिक करना है, वो फोन पे फोन किए चली जा रही है। क्यों नहीं माँ जी, आपकी बेटी को इश्क वाला लव जो हुआ है। अच्छा सुने, असफू को चाबी दे दे, पता नहीं क्यों और क्या कर रहा है वो, उसका सिंगार ही नहीं खत्म हो रहा। ये फेंक दो। अच्छा चले फिर, वो नया निकाला हुआ है, बड़ा अच्छा है, बल्कि इससे ज्यादा अच्छा है।